नमस्कार, मैं आचार्य हर्षवर्धन आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा देव दिवाली। जब हम बात देव दिवाली की करते हैं तो कुछ बातों पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। जैसे देव दिवाली कब मनाई जाती है, देव दिवाली क्यों मनाई जाती है, देव दिवाली का महत्व क्या है, देव दिवाली पर क्या करना चाहिए और विशेष रूप में इस बार देव दिवाली पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जब ग्रहण पड़ता है तो कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो ऐसे समय में देव दिवाली कब मनाई जाए। तो आइए शुरू करते हैं, देव दिवाली कब मनाई जाती है। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। जिस दिन दिवाली मनाई जाती है ठीक उसके 15 दिन बाद जो पूर्णिमा आती है उसी पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में देव दिवाली का बहुत महत्व है। देव दिवाली को कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। देव दिवाली का संबंध देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ से है। हमारे पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का संहार किया था और उसके हाहाकार से जनता को और देवों को बचाया था। इसी खुशी में दीप जलाकर आज का दिन मनाया जाता है। आज के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा घाट पर जाकर स्नान करना चाहिए या आपके पास जो भी पवित्र नदी हो वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात आप मंदिर की सफाई करें। मंदिर में गणेश जी और शिव जी की मूर्ति स्थापित करें, दीप प्रज्वलित करें, धूप दीप पुष्प इत्यादि से पूजन अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के पश्चात गणेश जी की आरती करें, भगवान भोलेनाथ जी की भी आरती करें। संध्या के समय पूजा अर्चना करके गंगा घाट पर जाकर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं वे दिन में फल आहार ले सकती हैं। संध्या के समय पूजा अर्चना करके गंगा घाट पर जाकर उन्हें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग, बहुत सी माताएं बहनें ऐसी भी हैं जो कि गंगा घाट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो ऐसे में वे सभी व्यक्ति, वे सभी माताएं बहनें जो गंगा घाट पर जाकर या किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, वे सभी अपने घर पर रहकर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि आज के दिन घर पर रहकर ही आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हैं तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान करने के पश्चात घर में दीप प्रज्वलित करें, गणेश जी का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें। तत्पश्चात संध्या के समय पूजा अर्चना करके दीप प्रज्वलित करें। इसके लिए आप पास में जो भी मंदिर है वहां जाकर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे पुराणों में ऐसा कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का अंत किया था, इसीलिए इसे देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। महाभारत में त्रिपुरासुर के अंत का बहुत ही उत्तम वर्णन किया गया है।
ऐसा कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। तारकासुर के तीन पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। ये तीनों ही असुर बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही बलवान थे। ये तीनों ही असुर अपने पिता की मृत्यु का बदला देवताओं से लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और पूजा अर्चना की, तपस्या की। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना करनी शुरू की, घोर तपस्या की। तपस्या करते करते दिन बीते, महीने बीते, साल बीते और यूं ही एक एक करके बहुत से वर्ष बीतते चले गए। एक समय ऐसा भी आया जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी ने इन असुरों को वरदान मांगने के लिए कहा। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमें अमरता का वरदान मिले और हमारी कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने इस वरदान को देने के लिए मना कर दिया, लेकिन ये उसी वरदान पर रुके हुए थे कि हमें तो यही वरदान चाहिए। बार बार आग्रह करने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, आप अपनी मृत्यु को कठिन बना सकते हो और इसके लिए आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हो। कुछ देर सोचकर त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमें ऐसी तीन पुरियां का निर्माण कर दो जो कि स्थिर न हो। पुरियों का मतलब होता है नगरी, नगर। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य यह था कि हमें तीन नगर ऐसे बनाकर दे दो जो अद्भुत हों और जो कि स्थिर न हो। इसके लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहा और उन्हें एक को स्वर्ण नगरी मिली, एक को रजत नगरी मिली और एक को लोह नगरी मिली। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि अभिजीत मुहूर्त में जब ये तीनों नगरी एक सीध में होंगी, उस समय असंभव रथ पर सवार होकर, असंभव धनुष के द्वारा, असंभव बाण चलाने पर हमारी मृत्यु हो सकती है। उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उन्हें यह वरदान मिल गया। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करने के पश्चात ये तीनों ही असुर बहुत अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। इसके बाद उन्होंने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, सभी को परेशान करना शुरू किया, यहाँ तक कि उनके अत्याचारों से देवता भी नहीं बचे। देवताओं ने बहुत कोशिश की कि इन तीनों असुरों का नाश किया जाए, संहार किया जाए, मगर ये बहुत ही शक्तिशाली थे, अतः ये देव उनका कुछ ना बिगाड़ सके। बाद में सभी देव एक साथ मिले, उन सभी ने एक साथ प्रयास किया मगर वे सभी विफल रहे। इसके पश्चात वे सभी देव एक साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि हे प्रभु, आपने ये कैसा वरदान दिया कि हम सब मिलकर भी इनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इन्होंने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया है। अब इनका जीवित रहना आवश्यक नहीं है, अगर ये आगे जीवित रहे तो सृष्टि का सर्वनाश कर देंगे। तब ब्रह्मा जी ने उन देवों को कहा कि आपको भोलेनाथ के पास जाना चाहिए, वे ही आपको इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। ऐसा सुनकर सभी देव भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ को उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनने के पश्चात भगवान भोलेनाथ ने पहले तो उनसे कहा कि आप खुद ही इस परिस्थिति का सामना करें, लेकिन जब देवताओं ने बार बार आग्रह किया तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं अपनी आदि शक्तियाँ आपको दे देता हूँ, मेरी इन शक्तियों को ले जाओ और जाकर उसका संहार करें। लेकिन भगवान भोलेनाथ की शक्तियाँ तो अपार थीं, वे इतनी ज़्यादा थीं
कि आदि शक्तियों का वहन वे सभी देवता मिलकर नहीं कर सके। तब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से पुनः प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो आपने हमें शक्तियाँ दी हैं, ये सभी शक्तियाँ हम आपको वापस करते हैं, आप स्वयं ही इसके लिए कुछ करें। तब देवों के देव महादेव भोलेनाथ स्वयं आए। जिस तरह से इनको वरदान मिला था, उसी के अनुरूप भगवान भोलेनाथ ने लीला रची। इसके लिए उन्होंने पृथ्वी को ही रथ बना लिया। सूरज और चंद्रमा इस रथ के पहिए बने। सृष्टा यानी कि ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ के सारथी बने। भगवान विष्णु जी बाण बने। मेरु पर्वत धनुष बने। और सभी देवताओं ने मिलकर इस असंभव रथ का संचालन किया। जब सारी परिस्थितियां पूर्ण हो गईं, तो भगवान भोलेनाथ ने अभिजीत मुहूर्त का इंतज़ार किया। और जैसे ही अभिजीत मुहूर्त में ये तीनों पुरियां एक सीधी लाइन में आईं, तो भगवान भोलेनाथ ने एक ही बाण से इन तीनों पुरियों का सर्वनाश कर दिया। जैसे ही त्रिपुरासुर का अंत हुआ, तो सभी देवता बहुत खुश हुए। इस खुशी में ही दीप जलाकर इस पर्व को मनाया जाता है। तभी से भगवान भोलेनाथ को त्रिपुरारी भी कहा जाता है, और इसीलिए इस कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देव दिवाली पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। अब समस्या ये है कि हम सभी जानते हैं कि ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो देव दिवाली भी नहीं मनानी चाहिए। तो ऐसे में क्या किया जाए? पंचांग के अनुसार देव दिवाली का प्रारंभ यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का प्रारंभ 7 नवंबर 2022 दिन सोमवार को शाम 4:15 से प्रारंभ होकर 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार शाम 4:30 तक है। अतः 7 नवंबर को सोमवार का दिन भी है, जो कि भोलेनाथ का दिन माना जाता है। अतः सोमवार के दिन देव दिवाली को मनाना उत्तम रहेगा। प्रदोष काल का समय 7 तारीख को शाम 5:14 से 7:49 तक रहेगा। इस प्रदोष काल समय में दीप दान करना अति उत्तम माना जाता है। देव दिवाली पर दान का भी बहुत महत्व है। इस दिन आप सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को इस दिन दिया गया दान बहुत ही उत्तम फल देता है। इस दिन आप चावल, दूध, अन्न का दान कर सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा भी दे सकते हैं। इस दिन आप जरूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको इस पर्व का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब तक के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।